हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियोस दी है आप लोगों को फेशियल किट के बारे में, वो भी है D10 फेशियल किट के बारे में। तो आप लोगों ने उस वीडियो के ऊपर कोई भी कमेंट्स नहीं किए हैं, जो कि मैं चाहती थी कि आप लोग कमेंट्स करो, क्योंकि ये न्यू फेशियल किट है और इस फेशियल किट की वीडियोज़ भी आप लोगों को बहुत कम मिलेगी। और इस फेशियल किट के बारे में लोगों को नहीं पता है कि इसका रिजल्ट कैसा होगा या फिर कैसा है, या फिर हम इस फेशियल किट के ट्राई करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है। बट मैंने जो आप लोगों को वीडियोस दी है वो आप लोगों ने पसंद की है। D10 अभी समर सीजन में सबसे ज़्यादा होने वाली फेशियल किट है। आप चाहें जिस भी ब्रांड की D10 की फेशियल कीजिए, बट D10 का अभी ज़्यादा ले रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या हम D10 फेशियल ही ले सकते हैं, क्या साथ में हम कुछ और नहीं ले सकते हैं? अगर गर्मी है, हमारे फेस में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है, हमें बाहर जाना ही है, तो आपको D10 पैक भी यूज़ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जब हम फेशियल कराएं तो फेशियल ही लें। आपको जब भी टाइम मिलता है आप D10 का फेस पैक लगाइए, वो हमारे टैनिंग को काफ़ी ज़्यादा रिमूव करने में हेल्प करती है। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं एक न्यू फेशियल किट के साथ आई हूँ। शायद ही मैंने इसकी वीडियो पहले आप लोगों को दी होगी, लेकिन इस साल इस गर्मियों में मैंने इस फेशियल किट के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। मैंने जहाँ तक देखा है कि इस फेशियल किट के बारे में ही नहीं, इस ब्रांड के बारे में भी लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि इसका रिजल्ट बहुत बेकार है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, फालतू प्रोडक्ट। लेकिन मैं तभी आप लोगों को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ जब मुझे उसके बारे में नॉलेज हो, उसकी मैंने रिजल्ट देखी हो, तब मैं इसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। इसके रिजल्ट देखने के बाद ही मैंने सोचा कि इस फेशियल किट के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँ। तो चलिए जानते हैं ये कौन सी फेशियल किट है, और अभी गर्मी है आप कोई और भी फेशियल किट ले सकते हो, और कौन सी क्रीम लगाना चाहते हो, ये कौन सी क्रीम हमें लगानी चाहिए, ये आप दीपिका व्लॉगिंग में जाके देख सकते हैं। दीपिका व्लॉगिंग चैनल में आपके स्किन के अकॉर्डिंग आपको क्रीम बताई जाती है कि आपकी स्किन किस तरह से है और आपको कौन सी क्रीम लेनी चाहिए और किस तरह से आपको अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी फेशियल किट है जो और भी फेशियल किट से अच्छी हो सकती है और हम इसका फेशियल ले सकते हैं जिसके रिजल्ट्स भी अच्छे हो। तो इस ब्रांड के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारी बातें की हैं और आज मैं इस फेशियल किट के साथ फिर आई हूं ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग फेशियल किट लेना चाहते हो, अपनी स्किन पे फेशियल लेना चाहते हो, तो हमें कौन से फेशियल किट लेनी चाहिए, आप लोगों को सिलेक्ट करने में कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो, या फिर आप घर पे कर रहे हो या फिर आप किसी सैलून में जाके कर रहे हो, लेकिन आपको किट के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं जिस फेशियल किट की बात करी वो है मामा अर्थ की उपटन फेशियल किट। मामा अर्थ के उपटन फेशियल किट में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें टर्मरिक भी है जो हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये उपटन वाले फेशियल किट ही क्यों चाहिए, सिर्फ उसमें उपटन ही नहीं है, ये एक ऐसा फेशियल किट है जो आपके स्किन को ग्लोइंग प्रोवाइड करती है, आपके स्किन से टैनिंग को रिमूव करती है। एंड इस ब्रांड में ये खास बात है कि इसमें सभी चीज़ें आपको नेचुरल मिलती है, इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो आपके स्किन को हार्म करती है, जो हमारे स्किन को हार्म करती है। मैं भी अपने कई क्लाइंट्स को फेशियल किट देती हूँ तो सबके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और मामाअर्थ के मैंने भी ट्राई किए हैं। शायद आप लोगों को वीडियोस नहीं मिली है, बहुत जल्द मिल जाएगी। वीडियोस कई बार बना के मेरे पास पड़े होते हैं, बस आप लोगों को दे नहीं पाती हूँ क्योंकि कई बार काम में मैं भी बिजी हो जाती हूँ। एंड साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समर सीज़न में हमें फेशियल कितनी बार लेनी चाहिए। बहुत बार मैंने इस बारे में बात की है, लेकिन इस बार फिर से मैं कर दूं क्योंकि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको जानकारी चाहिए, एंड मैं उनके लिए ही ये वीडियो बना रही हूं कि आपको अपने स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए। फेशियल किट के साथ साथ मैं आपको स्टेप बाइज और भी चीज़ें बताने वाली हूँ। जैसे हमें फेशियल करानी होती है मंथली बाद, मंथ में हमें एक फेशियल तो लेनी ही चाहिए। फेशियल हम तब लेते हैं जब हमारा एक महीना पूरा हो जाता है, क्योंकि हम 10 डेज में फेशियल नहीं ले सकते। हमारी स्किन जितनी मर्जी डैमेज हो, जितनी मर्जी हमारे स्किन में टैनिंग हो, लेकिन हमें 1 मंथ के बाद फेशियल लेनी चाहिए। अगर ब्राइड्स हैं तो उनको हम 15 डेज में हम देते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर ले रहे हो, कंटिन्यू फेशियल करवाते हो, तो आपको मंथ में एक बार लेना चाहिए। साथ ही साथ फेशियल किट के साथ आपको अपनी स्किन की केयर भी करनी चाहिए। जैसे
एक रूटीन बना लीजिए कि मॉर्निंग में हमें क्या अपने स्किन के लिए फॉलो करनी है, हमारे स्किन के लिए हमें क्या रूटीन बनाने चाहिए। मॉर्निंग रूटीन बनाइए, नाइट रूटीन बनाइए। आपका जो फेस वॉश होगा, जो आपकी क्रीम होगी, जो आपका फेस पैक होगा, जो भी स्किन केयर में प्रोडक्ट लगाते हो, सारे प्रोडक्ट जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सारे प्रोडक्ट आपको देखने हैं कि ये हमारे मौसम के अकॉर्डिंग हमारे स्किन पे सूटेबल होगी या नहीं होगी। या फिर जैसे अब क्रीम्स है, कई बार क्रीम्स ऐसे भी आते हैं जिसमें SPF होते हैं, कई क्रीम्स ऐसे हैं जिसमें SPF नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, SPF अलग से लेनी होती है। तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स देखने चाहिए। ओके, कई बार होता है कि हमें D10 भी साथ में मिल जाती है, कई बार हम फेस वॉश करते हैं उसमें स्क्रब भी साथ में ऐड होती है एंड उसमें D10 भी ऐड किया जाता है कि अगर आप इससे फेस वॉश करते हो तो साथ में आपको फेस वॉश भी मिलता है, D10 भी लिखी है और टैनिंग को भी रिमूव करती है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स को हमें सेलेक्ट करना चाहिए मौसम के अकॉर्डिंग। अब मुझे लगता है कि ये सारे प्रोडक्ट हमें लेने चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम से तो मैं भी ये चीज़ फॉलो कर रही हूँ। अभी की जो गर्मी है ये हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है और हमें बाहर निकलना ही होता है किसी ना किसी काम से, तो हमें अपने स्किन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे मैं अभी दे रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है। हो सकता है वीडियोज़ में आप लोगों को दिख रही हो सकता है नहीं भी दिख रही हो, लेकिन मुझे पता कि मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा अभी टैनिंग हो गई है। जैसे पहले मेरी स्किन थी वैसे नहीं है, आपको मैं कभी दिखाऊंगी जब फेशियल करूंगी, क्योंकि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं फिल्टर लगा के वीडियोस बना रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, मैं रियल वीडियोस ही देती हूँ। अगर रील्स अपलोड करते हैं तभी कोई फिल्टर होती है, लेकिन जब से मैं कैमरा में वीडियो शूट करती हूँ रील्स के लिए या फिर शॉर्ट्स के लिए, तब से मुझे कोई किसी भी फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि D10 की फेशियल जो है ममाअर्थ की आप ले सकते हो, ममाअर्थ के प्रोडक्ट और भी ले सकते हो। अगर आपको ममाअर्थ की फेशियल लेनी है तो साथ ही आप और भी प्रोडक्ट उसके ले सकते हो। मैंने दीपिका ब्लॉगिंग चैनल में ममाअर्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स की वीडियोज़ बनाए हैं जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, जो मैंने भी ट्राई किए हैं और मैंने उसके रिजल्ट देखे तब जाके उसके रिजल्ट दिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि इस फेशियल किट में हमें क्या क्या मिलता है, मतलब कितने स्टेप्स होते हैं, क्योंकि ये भी मायने करती है। कई बार फेशियल किट में 3 स्टेप्स होते हैं, किसी में 7-8 स्टेप्स होते हैं, किसी में 6 स्टेप्स होते हैं, तो इस फेशियल किट में भी हमें 6 स्टेप्स मिलते हैं। फर्स्ट होता है क्लींजिंग, सेकंड होती है स्क्रब, थर्ड होती है क्रीम, फोर्थ होता है जेल, फिफ्थ होता है फेस पैक एंड 6th नंबर में हमें मिलता है सीरम, जो बहुत ज़रूरी है। सीरम बहुत लोग सीरम को स्किप कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि सीरम क्यों ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी होंगी एंड आप लोग ट्राई ज़रूर करना अगर आप रूटीन वाइज फेशियल लेते हो तो। इस फेशियल किट का आपको क्या बेनिफिट मिला और आप लोग कहाँ कहाँ से ये वीडियोस देख रहे हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और कोर्स करने में इंटरेस्टेड हो तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल में न्यू हो तब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने से भी बात नहीं बनेगी, साथ में बेल आइकन की घंटी होगी उसे भी आपको ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आपको मिलती है। ओके, चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।